Good afternoon to all of you. So today we are going to start our new chapter, that is the excretion and osmoregulation. Yes. So what do you mean by excretion and osmoregulation? As the excretion is the process of removing of the waste material from the body, that is you called as the excretion. जो भी हमारे body में हम खाने के बाद जो भी waste material निकलता है उस process को हम बोलेंगे excretion and osmoregulation. Osmoregulation is the you call as a balancing of or maintenance of the balance in our body for water and all the nutrients. जैसे कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से कितना चीज़ कौन सी चीज़ कितनी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, कितना हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना चाहिए, कितना वो बाहर निकलना चाहिए, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर जाना चाहिए. सो ये जो सारी चीज़ आएगी डैट अंडर दिस ऑस्मोरेगुलेशन. यस. सो हियर वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस पॉइंट. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब हम खाना खा रहे हैं, वी आर टेकिंग द फूड, वी आर डाइजेस्टिंग द फूड विद द हेल्प ऑफ, वी आर डूइंग द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म जो हमने देखा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. इनको हम जब स्टडी करते हैं, इसके बाद आफ्टर द टेकिंग ऑफ द फूड विल गोज इन टू द इंटेस्टाइन. फ्रॉम दिस इंटेस्टाइन इट गोज इन टू द रेक्टम पार्ट. इतना सब हमने डाइजेशन में देखा. यस. उसमें से जो भी अनवॉन्टेड मटेरियल है वो बाहर निकल जाते हैं. सो हियर वॉट इज़ द नीड फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल. सो क्या होना क्या है कि हर जो बॉडी है, बॉडी में जो चीज़ ज़रूरी है वो रहनी चाहिए और जो अनवांटेड चीज़ है वो बाहर निकलना चाहिए. अगर ये अनवांटेड चीज़ अगर हमारी बॉडी में जमा होते रहे तो क्या होगा? सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी. जो ये हमारे बॉडी का जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द किडनी. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द थिंग्स, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू किडनी. हम उसमें नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी उसका एक स्ट्रक्चर, उस इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं. हाउ द यूरिन इज फॉर्म, हाउ इट हेल्प, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, कौन इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, जो हमारी किडनी है उसका क्या काम है, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस एंड वॉट इज़ द रोल, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. इन सब ये सब चीज़ें हम अपने ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. यस. हम उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी देखेंगे कि किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं. सो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कैसे होता है. यस. सो फर्स्ट इन टूडेज क्लास वी आर डूइंग द इंट्रोडक्टिव पार्ट, कि कैसे कैसे व्हाई देर इज़ अ नीड फॉर द एक्सक्रीशन प्रोसेस. क्यों हमारी बॉडी में ज़रूरत पड़ रही है कि एक्सक्रीशन हो, कोई चीज़ का एक आपके बॉडी में बैलेंस रहे, कोई चीज़ का ये क्यों होना चाहिए, ताकि जो भी अनवांटेड मटेरियल है वो बाहर निकलना चाहिए. अब अनवांटेड मटेरियल मतलब ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे बॉडी में ज़्यादा देर तक रहे तो इट में भी टॉक्सिक, ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं. इसीलिए देर इज़ अ नीड कि ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके बाहर निकलनी चाहिए. यस. इसीलिए आपको ये भी बोला जाता है कई बार कि आपको कम खाना खाओ, पर अगर आपको मोशन के लिए जब भी अगर जाना हो तो दिन में अगर जितने भी बार भी आपको लगे कि नहीं अभी मुझे जाना चाहिए तो आपने जाना चाहिए. यस. सो बिकॉज इट इज़ गुड कि आप जो भी वेस्ट मटेरियल है वो आपके बॉडी में ना रख के उसको जल्द से जल्द बाहर निकालें. यस. सो देर इज़ अ नीड फॉर द बैलेंसिंग ऑफ दी दिस टॉक्सिक सब्सटेंस टू बी प्रेजेंट इन अवर बॉडी. यस. ये इन सब चीज़ का बैलेंस ये कि कितना टाइम तक वो हमारी बॉडी में रहे और हाउ इट इज़. सो ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. यस. सो एरे ऑफ केमिकल प्रोसेसेस अकर्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सम टोटल ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबोलिज्म. एरे ऑफ केमिकल प्रोसेस मतलब एक आप देखते हो एक प्रोसेस आपकी बॉडी में चलती रहती है दैट यू कॉल्ड एज द मेटाबोलिज्म. जो भी हम खा रहे हैं वो क्या होता है, पचता है. यस. तो वो पच रहा है मींस क्या हो रहा है, इट इज़ कैटाबोलाइज, ब्रेक डाउन हो रहा है और जो चीज़ बननी चाहिए वो एनाबोलाइज हो रही है. यस. सो द मेटाबॉलिज्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस. सो हियर द ब्रेकिंग डाउन एंड द बिल्डिंग प्रोसेस बोथ द प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. सो द मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स. अब ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारे बॉडी में, जो पचन हो रहा है, उस समय बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स
ड्रग्स निकलते हैं। तो सम आर विच आर नीड टू बी एलिमिनेटेड, और ये इसकी नीड होती है कि वो हमारी बॉडी से निकल जाए जितनी जल्दी हो सके। यस, सो सच बाय प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट माइट बी फ्लूड, ये फ्लूड हो सकते हैं, या गैशियस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप दे आर एलिमिनेटेड थ्रू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यस, जो भी जो जहाँ से जो चीज़ रिलीज हो रही है, निकल रही है, वो वहाँ से वो रिलीज और एलिमिनेट होना चाहिए। यस, सो जो कई बार इट मे बी इन द फ्लूड फॉर्म, इट मे बी इन द गैशियस फॉर्म। यस, सो डिपेंडिंग अपॉन कि वो एलिमिनेट हमारे बॉडी से कैसे हो रही है। यस, नाउ एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन क्या होता है? सो द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यस, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में बन रहा है उसका निकलना इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन। अनलाइक डाइजेस्टिव वेस्ट विच आर प्राइमरली कंपोज ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टिव सब्सटेंसेज डैट हैव नेवर एंटर्ड द सेल, मेटाबॉलिक वेस्ट आर प्रोड्यूस इनसाइड बॉडी सेल्स। यस, जो डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं, जो हम खाना खाने के बाद जो वेस्ट निकलता है, सो इट इज़ ये सारी चीज़ें क्या होता है, दे आर अनडाइजेस्टिव सब्सटेंट एंड दे आर नॉट एंटर टू द सेल। ये हमारी बॉडी या हमारे सेल के अंदर एंटर नहीं करता है, बट द मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल, बॉडी सेल्स। जो हमारे जो वेस्ट होता है, जो बॉडी का वेस्ट हो रहा है, तो ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये सेल के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है। बट जो मेटाबॉलिक जैसे कोई भी प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी में, सो एट दैट टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं। यस, सो सम ऑफ दी सब्सटेंसेस दे आर प्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी एंड दे आर एक्सक्रीटेड, वो बाहर निकल जाते हैं। बट सम ऑफ दी सब्सटेंसेस और सम ऑफ दी बाय प्रोडक्ट दे आर रिमेन इनसाइड इन द सेल। यस, वो सेल के अंदर ही क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सो लेट अस ट्राई टू एंड लिस्ट वेरियस एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी, लाइक फ्लूड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूड्स, यहाँ पे हमने देखा था फ्लूड्स। यस, तो फ्लूड्स सच एज वाटर, गैशियस वेस्ट लाइक CO2, नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, किरायटिनिन, मिनरल, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, विच इफ आर प्रेजेंट इन बॉडी इन एक्सेस आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, फीसेस एंड स्वेट। यस, ये जो फ्लूड्स, फ्लूड की अगर बात करते हैं, सो लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, देन मिनरल सॉल्ट, सो दीज आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट दे कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन और फीसेस, मतलब हमारे जो मोशन है उसमें निकलना, या हमारे स्वेटिंग, पसीने में जो निकल जाना। सो दीज आर द सब्सटेंस विच आर रिमूविंग बाय दिस यूरिन, फीसेस एंड स्वेटिंग। यस, सो दीज आर द फ्लूड सब्सटेंस, मतलब लिक्विड सब्सटेंट। देन पिगमेंट्स, पिगमेंट फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन आर लाइक बिलिरुबिन एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेस एंड यूरोक्रोन दैट इज एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन, एंड ऑल्सो द पिगमेंट प्रेजेंट इन फूड स्टफ लाइक बीट रूट कंज्यूम बाय ऑर्गेनिज्म, एक्सेस ऑफ विटामिन, हॉर्मोन्स, ड्रग्स टेकन आर टू बी एलिमिनेटेड। सो अब हमने बात की कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसको भी नीड होती है कि वो एलिमिनेट होना चाहिए। अब ये क्या होनी चाहिए, जैसे कि पिगमेंट्स, पिगमेंट में अगर हमने बात की, वी हैव इन द लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने बिलीरुबिन की बात की थी, और ये जो बिलीरुबिन है ये कैसे बनता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द RBCs या ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन। यस, सो अब ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से जो है वो बिलीरुबिन फॉर्म होता है। सो ये भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। सो द बिलिरुबिन इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द फीसेस। यस, जो हमारा लैटरिंग होता है उससे वो बाहर निकलता है, मोशन से वो बाहर निकल जाता है। देन यूरोक्रोन दैट इज एलिमिनेटेड थ्रू द यूरिन,
देन ऑल्सो द पिगमेंट प्रेजेंट इन द फूड स्टफ, जो हम खाना खाते हैं, कुछ ऐसे आप देखते हो मटेरियल्स ऐसे होते हैं या कुछ फूड स्टफ ऐसे होते हैं जिसमें उसका खुद का एक अलग कलर होता है, लाइक कैरेट होता है, लाइक बीट हो गया, इनमें एक उसकी खुद के पिगमेंट्स हैं. यस, सो दैट पिगमेंट शुड ऑल्सो, इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बॉर द बॉडी, इट इज शुड टू बी एलिमिनेटेड. यस, सो हियर दिस बीट रूट में जो पिगमेंट है, दे आर कंज्यूम बाय द ऑर्गेनिज्म, बट इट इट शुड बी रिमूव. उनका भी जो पिगमेंट है वो भी हमारे बॉडी से वो बाहर निकलना चाहिए. एक्सेस ऑफ विटामिन हमारे बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, हॉर्मोन्स एंड ड्रग्स, ड्रग्स इन द सेंस जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं. तो ये भी आप देखते हो कि ये भी जितना रिक्वायरमेंट है वो हमारे बॉडी को लगता है, बाकी एक्सेस का ये बाहर निकल जाता है विद द यूरिन. यस, सो हियर द पिगमेंट ऑल्सो नीड टू बी एलिमिनेटेड फॉर सम एक्सटेंट. यस, देन स्पाइसेस, जो हम मसाले खा रहे हैं, स्पाइसेस वी कंज्यूम कंटेन वोलाटाइल सब्सटेंसेस दैट आर एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स. जो हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, जो मसाले खा रहे हैं, ये भी हमारे बॉडी से, ये वोलाटाइल है मतलब उड़ जाने वाली चीज़ें हैं, तो ये भी जो है लंग्स के थ्रू हमारे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं. देन अदर सब्सटेंसेस, बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट फैट्स बट इज अनस्टेबल, अनएबल टू स्टोर एक्सेस अमीनो एसिड. अब हम क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं. यस, जैसे आपने देखा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो है वो फिर ब्रेक होता है जब हम बहुत ज़्यादा जो ग्लाइकोजन है वो हमारे लीवर में स्टोर होके रहता है, और ये एट द टाइम जब हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो ब्रेक होता है एंड गिव ग्लूकोज. यस, और फैट्स भी हमारे बॉडी में जो है वो स्टोर होता है, बट वी आर नॉट एबल टू स्टोर द अमीनो एसिड. हैंस द एक्सेस अमीनो एसिड आर असेंशियली ब्रोक डाउन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीअमीनेशन. सो दिस एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड, देर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि वो डीअमीनेशन वो निकल सके, हमारी उनका ब्रेक डाउन हो सके और वो निकल सके. सो इन दिस प्रोसेस द अमीनो ग्रुप इज सेपरेटेड फ्रॉम अमीनो एसिड एंड अमोनिया इज़ फॉर्म्ड, एंड द टॉक्सिक अमोनिया इज़ इधर एक्सक्रीटेड एज इट इज़ और इट फर्दर कन्वर्टेड इन टू लेस टॉक्सिक फॉर्म लाइक यूरिया, यूरिक एसिड बिफोर एक्सक्रीशन. यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, या आप बोल सकते हैं ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है. सो हियर दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द अमीनो एसिड, या आप बोल सकते हैं कोई भी अमीनो एसिड है. अमीनो एसिड में क्या रहता है, एक तरफ अमोनिया रहेगा, एक तरफ आपको सी ओ एच ये ग्रुप दिखेगा. यस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस अमीनो ग्रुप इट कैन चेंजेस इंटू अमोनिया, इट कैन चेंजेस इंटू अमोनिया एंड दिस अमोनिया, ये जो NH3 अमोनिया है ये बहुत टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए, एंड दिस अमोनिया इज़ रिमूव बाय द डिफरेंट प्रोसेस. मतलब या तो अमोनिया जो है वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज होगा एंड लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, और वो हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. मतलब मेन हमारी बॉडी में क्या है, कोई भी जो अनवांटेड या जो भी आप बोल सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस है वो स्टोर नहीं रहता है, वो हमारी बॉडी ये ट्राई करती है कि हम उसको रिमूव करते रहें. यस, सो इन दैट केस, अब जब हमने यहाँ पे पढ़ा कि वी आर एबल टू स्टोर कार्बोहाइड्रेट, वी आर एबल टू स्टोर फैट्स, बट अमीनो एसिड्स वी आर नॉट एबल टू स्टोर. सो बिकॉज दिस अमोनिया ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द अमीनो एसिड, सो दिस अमोनिया ग्रुप, दिस अमीनो ग्रुप इज कन्वर्टेड इन टू द अमोनिया, एंड दिस अमोनिया इज़ वेरी मच टॉक्सिक टू अवर बॉडी. सो बिकॉज दिस अमोनिया इज़ वेरी मच टॉक्सिक, सो इसका इसको निकालना ज़रूरी है बॉडी से. तो इसमें दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में चेंज हो जाए, यस, वो खुद जो है वो एक्सक्रीट हो जाए, या फिर वो थोड़ा लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए एंड उसके बाद वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए. तो हियर द अमोनिया इज़ फॉर्म एंड दिस अमोनिया इज़ एक्सक्रीटेड एज इट इज़, वो खुद अपने आप को एक्सक्रीट करे, या फर्दर इट इज़ कन्वर्टेड इन टू लेस टॉक्सिक फॉर्म लाइक यूरिया और यूरिक एसिड बिफोर एक्सक्रीशन. यस, देयर इज़ नो क्लियर को रिलेशन बिटवीन द फाइलोजेनिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बट इट
इट्स हैबिटेट हैज़ फॉर एग्जाम्पल टेडपोल ऑफ फ्रॉग एक्सक्रीट अमोनिया. अडल्ट फ्रॉग मोस्टली आर यूरोटेलिक. सम टेरेस्ट्रियल टर्टल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड, वेयर एज सम अदर एक्सक्रीट यूरिया एंड अमोनिया. सो अब डिपेंडिंग अपॉन कि अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि जैसे हमने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो देखी कि हाउ एंसिस्टर फाइलोजेनेटिक क्या होता है, कि हम अपने एंसिस्टर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब उन एंसिस्टर से हम इंफॉर्मेशन आप कुछ ना कुछ उनसे स्टडी करते आ रहे हो. यस, दैट यू कॉल्ड एज द फाइलोजेनी. मतलब आप कुछ ना कुछ एंसिस्टर से अब तक हम उसमें कुछ ना कुछ कोरिलेशन देखें, तो ये जो थिंक रहती है डैट यू कॉल एज द फाइलोजेनेटिक. यस. सो अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है रिगार्डिंग टू द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. मतलब जैसे कि हम यूरिन पास आउट करते हैं, इन द यूरिन वी हैव यूरिया एंड यूरिक एसिड. दीज आर द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन आवर यूरिन. सो लाइक वेरियस ऑर्गेनिज्म दे हैव द कैपेसिटी टू एक्सक्रीट डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. उनमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंट एक्सक्रीट होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं. सो इट इज़ ये उनके हम उनके हैबिटेट, मतलब वो कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ों को एक्सक्रीट कर सकते हैं. मतलब अगर कोई कोई ऑर्गेनिज्म है उनमें अमोनिया एक्सक्रीट करने की क्षमता है, वो अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहा है डायरेक्टली, तो अमोनिया जो है इट इज़ वेरी मच टॉक्सिक एंड इट रिक्वायर्ड वेरी मच वाटर फॉर द न्यूट्रलाइजेशन. मतलब उसको वाटर बहुत लगता है फॉर द उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. सो फॉर दैट द अमोनिया जो है वो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म रिलीज करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे बाहर, जो ऑर्गेनिज्म कैसे हो बहुत ज़्यादा पानी में रहते हैं. यस. सो हम इसको और आगे पढ़ेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो वैरी हो सकता है. इट मे बी यूरिया, इट मे बी यूरिक एसिड, इट मे बी अमोनिया, कुछ भी हो सकता है. यस. सो द एनिमल कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप बेस्ड ऑन द नाइट्रोजनस वेस्ट दे प्रोड्यूस. जो नाइट्रोजनस वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स एज अमोनिया इज़ द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ द डीअमिनेशन प्रोसेस, बट इट इज़ हाईली टॉक्सिक, हैंस इट इज़ डाइल्यूटेड इमिडिएटली. एंड इफ देयर इज नो और लिमिटेड एक्सेस ऑफ वाटर, नीड टू बी कन्वर्जन ऑफ अमोनिया बिकम नेसेसरी. दस अवेबिलिटी ऑफ वाटर प्ले अ की रोल इन डिसाइडिंग द मोड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर ऑफ थ्री टाइप, दैट इज अमीनोटेलिज्म, यूरोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म. मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से निकल रहा है उसके ऊपर डिपेंड है कि जो एनिमल है उसका वेस्ट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए. इट मे बी अमीनोटेलिक मीन्स उसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, अमोनिया है. इट मे बी यूरोटेलिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है दे हैव द कैपेसिटी टू एक्सक्रीट यूरिया. और यूरिकोटेलिज्म मीन्स द एनिमल हैव द कैपेसिटी टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट दे हैव डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. यस. सो हियर द अवेबिलिटी ऑफ वाटर, यहाँ जहाँ पे वाटर ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, सो इट मे बी कि ये हो सकता है कि वहाँ का जो ऑर्गेनिज्म हो वो कैसा हो, अमीनोटेलिज्म हो, मतलब वो अमोनिया एक्सक्रीट कर सकता हो. यस. सो इसके बारे में अगर हम देखें तो डिपेंडिंग अपॉन दिस नाइट्रोजिनस वेस्ट दे प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स एज अमीनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म. यस. सो द अमीनोटेलिज्म हियर, अमीनोटेलिज्म द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड द अमीनोटेलिज्म. इट इज बेसिक इन नेचर, हैंस इट वुड डिस्टर्ब द पीएच ऑफ द बॉडी इफ रिटेन. इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक रहता है. मतलब ये जो है इस पीएच जो 7 से ज़्यादा
अप टू द 11 और 12th तक जो पीएच रहता है दैट यू कॉल्ड एज अ बेसिक पीएच। यस, सो इसका पीएच जो है वो बेसिक रहता है, जिसके कारण इट हैव द कैपेसिटी कि ये हमारे बॉडी का जो पीएच है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। एक बार हमारे बॉडी का पीएच डिस्टर्ब हुआ तो उससे क्या होगा, हमारे जो और जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मीन्स इफ द स्लाइट इंक्रीज इन पीएच वुड डिस्टर्ब ऑल द एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, क्योंकि हमारे बॉडी में आपको पता है सारे जो रिएक्शन है, डाइजेशन है, वो सारा कैसा है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। यस, हमने देखा लास्ट चैप्टर में पेप्सिनेज, न्यूक्लिएज, डाइसेकेराइडेज, तो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट एंड दे आर वर्क ऑन अ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर पीएच पे ही वो वर्क करते हैं। सो हियर इफ द पीएच अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो वो क्या करेगा, जो एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन है वो बॉडी को बॉडी की वो डिस्टर्ब कर देगा। सो स्लाइट इंक्रीज इन द पीएच वुड डिस्टर्ब ऑल द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इन बॉडी एंड वुड ऑल्सो मेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनस्टेबल, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको भी अनस्टेबल कर देगा। सो इट इज़ रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर, सो नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डाइल्यूट एंड रिड्यूस द टॉक्सिसिटी। सो जो अमोनिया है, अमोनिया रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सो हियर दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर फॉर द डाइल्यूशन, उसके डाइल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट लगती है और जिसके कारण उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो, ताकि वो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो। हाउएवर इट इज़ नेसेस एनर्जी सेविंग मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, हैंस ऑल एनिमल्स दैट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर डाइल्यूशन ऑफ अमोनिया एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत ज़्यादा, जिनके आसपास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, सो वो प्रिफर करते हैं कि वो जो भी अमोनिया बन रहा है उसको लोअर टॉक्सिक अमाउंट, टॉक्सिक केमिकल में ना चेंज करके वो अमोनिया को वैसे ही एक्सक्रीट कर दे, वैसे ही वो बाहर निकाल दे। क्योंकि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नीड्स 300 to 500 ml ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन, मतलब एक अमोनिया को डाइल्यूट या उसको लेस टॉक्सिक करने के लिए 300 से 400 ml ऑफ वाटर हमको लगता है। मतलब आप सोचिए कि हमारे बॉडी में हम अगर 1 ग्राम अमोनिया भी अगर तैयार होता है, सो इन दैट केस वी रिक्वायर्ड आधा लीटर तक पानी आपको उसको 1 ग्राम को एलिमिनेट करने के लिए लग सकता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, या ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारा जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। सो फॉर दैट वही एनिमल्स इनको फॉलो, इसको अडॉप्ट करेंगे जे जिनके आसपास में बहुत ज़्यादा वाटर क्या हो, अवेलेबल हो। सो द अमीनोटेलिज्म इज़ फाउंड इन एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स मतलब जो पानी में रह सकते हैं ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स, बोनी फिश, एक्वेटिक एंड लार्वर एम्फीबियंस। सो दीज एनिमल विल प्रिफर दिस अमोनिया एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सो द एनिमल विदाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम आर ऑल्सो अमीनोटेलिक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अमीनोटेलिक, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ। अमीनोटेलिक एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस लाइक स्किन, गिल्स एंड किडनी। वो अपने सिंपल बॉडी सरफेस से जो है अमोनिया जो है उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं, लाइक स्किन, गिल्स एंड किडनी। यस, सो दिस इज़ द अमीनोटेलिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज द अमीनोटेलिज्म। नाउ द ऑर्गेनिज्म विच हैव द एबिलिटी टू एक्सक्रीट यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट दे कॉल्ड एज द यूरियोटेलिज्म। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म। यूरिया इज लेस टॉक्सिक एंड लेस वाटर सॉल्यूबल दैन अमोनिया, हैंस इट कैन बी कॉन्सेंट्रेट इन सम एक्सटेंट इन द बॉडी। ड्यू टू दिस इट रिक्वायर्ड लेस वाटर फॉर एलिमिनेशन कंपेयर टू अमोनिया, अबाउट 100 times लेस वाटर इन ह्यूमन, यस एंड सेवरल 100 times इन कैमल्स एंड कंगारू रेट एंड शार्क। मतलब अगर हम देखेंगे, अगर हम कंपेयर करते हैं तो ह्यूमंस जो है उनमें जो है
अगर हम कंपेयर करते हैं फॉर द अमोनिया, सो अबाउट 100 टाइम लेस वाटर इन ह्यूमन, और उससे भी कम वाटर किस में रहता है, कैमल में रहता है, और उससे भी ज़्यादा कम किन में रहता है, कंगारू रैट एंड शार्क में रहता है, दे हैव लेस वाटर, सो एज इट इज़ लेस टॉक्सिक एंड लेस वाटर वाटर सॉल्यूबल, हैंस यूरियोटेलिज्म इज सुटेबल फॉर एनिमल डोज नीड कंजर्वेशन ऑफ वाटर टू सम एक्सटेंट. जिनको वाटर कंजर्व करने की नीड है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो यूरिया है वो सम एक्सटेंट तक हमारे बॉडी में रह सकता है. जैसे हमारे बॉडी में यूरिया इन द फॉर्म ऑफ, जब हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं तो यूरिन में बहुत ज़्यादा यूरिया जो है वो एक्सेस ऑफ यूरिया हमारी बॉडी से निकल जाता है. सो वी हैव द कैपेसिटी कि हम उसको सम एक्सटेंट तक रोक के रख सकते हैं. यस, सो हैंस इट इज़ कॉमन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एज दे हैव टू कंजर्व वाटर. इट टेक्स अबाउट 50 ml वाटर फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम. अब आप देखिए यहाँ पे आपको 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए, सॉरी यूरिया को रिलीज करने के लिए, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो यूरिया है वो कन्वर्ट, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होने पे उसको कितना कम पानी लग रहा है. मतलब 1 ग्राम जो हम देख रहे थे यहाँ पे यूरिया को, सॉरी अमोनिया को डाइल्यूट होने के लिए, लेस टॉक्सिक बनने के लिए उसको आधा लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ रही थी, वहीं पे अगर जो अमोनिया, इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया, इट रिक्वायर्ड ओनली 50 ml ऑफ वाटर फॉर द रिमूवल. यस, सो जैसे जैसे टॉक्सिसिटी, या बोलेंगे जैसे जैसे वो टॉक्सिक उसका नेचर कम होता जाएगा, वैसे वैसे कम वाटर हमारी बॉडी को लगेगा उसको बाहर निकालने के लिए. सो द एनिमल्स लाइक मैमल्स, कार्टिलेजिनियस फिशेस लाइक शार्क एंड रेज, मैनी एक्वेटिक रेप्टाइल्स, मोस्ट ऑफ द अडल्ट एम्फीबियंस एक्सेट्रा आर यूरियोटेलिक बिकॉज दे आर रिलीजिंग यूरिया फ्रॉम द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो बाहर निकाल रहे हैं. सो दे आर कॉल्ड एज द यूरियोटेलिक. से दे कन्वर्ट अमोनिया टू लीवर, अमोनिया टू यूरिया इन लीवर बाय ऑपरेटिंग ऑर्थेनिन एंड यूरिया साइकिल. विद द हेल्प ऑफ दिस यूरिया साइकिल और ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्निथिन साइकिल, दे हैव द कैपेसिटी टू कन्वर्ट यूरिया इंटू अमोनिया इंटू यूरिया. दे हैव द कैपेसिटी टू कन्वर्ट अमोनिया इंटू यूरिया, और ये यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया हमारी बॉडी से वो है एक्सक्रीट हो जाएगा. सो हियर द 3 ATP मॉलिक्यूल्स आर यूज टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया. शार्क रिटेन मोर यूरिया इन देयर बॉडी फ्लूड लाइक ब्लड टू मेक द ब्लड आइसोटोनिक टू सराउंडिंग मराइन वाटर. शार्क जो है उसको सी में रहना पड़ता है, और वहाँ का जो सी का वाटर है वो ज़्यादा खारा होता है. सो फॉर मेंटेन, उसको वहाँ पे मेंटेन रखने के लिए, जो शार्क है उसमें उसके ब्लड जो है उसको ज़्यादा, आप बोल सकते हैं आइसोटोनिक रखने के लिए, जो शार्क जो है वो ज़्यादा टाइम तक यूरिया को अपने बॉडी में वो रख सकती है, रिटेन कर सकती है. यस, सो दिस हेल्प देम टू प्रिवेंट पॉसिबल लॉस ऑफ वाटर बाय ऑक्सो ऑक्सोस्मेसिस. मतलब एक्सक्यूज मी, अगर बहुत ज़्यादा अगर आपके बॉडी में वाटर, आजू बाजू का इन्वायरमेंट अगर ज़्यादा सॉल्टी रहता है, तो इन द सॉल्टी इन्वायरमेंट क्या होगा, अगर सॉल्ट अगर बाहर ज़्यादा है और आपके बॉडी में पानी ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो पानी है इट विल रिमूव फ्रॉम योर बॉडी टू द आउटर इन्वायरमेंट, वो बाहर चला जाएगा. सो ऐसी कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए जो शार्क होते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू रिटेन मोर यूरिया इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, जो उनके ब्लड है उसमें वो जो यूरिया है उसको ज़्यादा टाइम तक वो रिटेन करके रखता है, ताकि वो जो उस ताकि क्या हो, जो मरीन वाटर है आजू बाजू का, जो सी वाटर है उसमें वो ज़्यादा, वो वहाँ पे अच्छे से रह सके. यस, सो टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय द ऑक्सोस्मोसिस. ऑक्सो मीन्स बाहर निकलना, सेल से बाहर पानी, पानी का निकल जाना. अगर एक सेल है और सेल के बाहर ज़्यादा सॉल्ट है और सेल में कम सॉल्ट है, सो क्या होगा, सेल में कम सॉल्ट है मतलब सेल में वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, तो वाटर जो है हो सकता है कि आपका
जो सेल से वाटर बाहर निकल जाएगा। सो इन दैट केस उसको रोकने के लिए द शार्क दे हैव द एबिलिटी टू रिटेन यूरिया। यस देन नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ द यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म इज़ द यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन सा है, यूरिक एसिड है, और वो जो है एलिमिनेट हो रहा है। यस सो हियर द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म। यूरिक एसिड इज़ लेस टॉक्सिक। ये कैसा है, लेस टॉक्सिक है, हैंस इट इज़ रिटेन इन द बॉडी फॉर सम टाइम इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। इट इज़ लेस लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर, हैंस मिनिमम अबाउट 5 to 10 ml फॉर 1 ग्राम, और नो नीड ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। मतलब 5 से 10 ml भी अगर आपके पास वाटर है तो ये जो है इजीली वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हैंस एनिमल डोज नीड टू कंजर्व मोर वाटर फॉलो द यूरिकोटेलिज्म। इसीलिए जो एनिमल्स ऐसे जो बहुत ज़्यादा जिनको वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं यूरिकोटेलिज्म टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मतलब वहाँ पे यूरिक एसिड जो है वो उन इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनमें रिलीज होगा। वी आर द मैमल्स, हम कैसा, हम वी आर यूरियोटेलिज्म बिकॉज वी आर एक्सक्रीटिंग यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमारे बॉडी में इस जो भी यूरिया बन रहा है वो यूरिन से बाहर निकल जाता है। बट हियर द ऑर्गेनिज्म विच इज़ बहुत ज़्यादा, जो आप बोल सकते हो ऐसे जो बहुत ज़्यादा जैसे जिनको ज़्यादा वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत है, सो ऐसे एनिमल्स दे टेक दिस पाथवे दैट इज़ द यूरियोटेलिज्म। सो हियर हैंस द एनिमल्स दैट नीड टू कंजर्व मोर वाटर दे फॉलो द यूरिकोटेलिज्म। अमोनिया इज कन्वर्टेड इन टू यूरिक एसिड बाय इनोस इन इनोन्स इन इनोसिक एसिडिक एसिड पाथवे इन द लीवर ऑफ बर्ड। सो द बर्ड, सम इंसेक्ट एंड मैनी रेप्टाइल, लैंड स्नेल, दे आर यूरिकोटेलिक, मीन्स दे आर एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड फ्रॉम देयर बॉडी बिकॉज दे नीड टू कंजर्व द वाटर। हाउएवर दे हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी, उसके लिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगती है। बट दे प्रिफर, वो एनर्जी को स्पेंड करना ज़्यादा प्रिफर करते हैं बिकॉज दे रिक्वायर टू कंजर्व मोर वाटर। उनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, या उनको रिक्वायरमेंट है कि वो कम से कम पानी में क्या करें, जो उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाले। सो इन दैट केस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर रहे हैं, दैट ऑर्गेनिज्म यू कॉल्ड एज द यूरिकोटेलिज्म। यस सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दे आर डिवाइडेड एज अमीनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। जो अमोनिया अपने बॉडी से बाहर निकाल रहा है उसको हम यूरिकोटेलिज्म बोलेंगे, जो यूरिया निकाल रहा है उसको यूरियोटेलिज्म बोलेंगे, जो यूरिक एसिड निकाल रहा है उसको यूरिकोटेलिज्म बोलेंगे। यस सो डिपेंडिंग अपॉन दैट द ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इंटू 3 टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यस सो हियर ऑलवेज रिमेंबर, मैं आप देखिए आपको और एक चीज़ दिख रही है, दैट इज़ द गोनोटेलिज्म। द एनिमल्स लाइक स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड पेंगुइन एक्सक्रीट गोनिन, एंड दिस मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एज गोनोटेलिज्म। ये एक्सक्रीट कर रहा है किसको, गोनिन को एक्सक्रीट कर रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज गोनोटेलिज्म। यस यू विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ अर्थराइटिस कॉल्ड द गॉटी अर्थराइटिस कॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। सो जो यूरिक एसिड है, वी आर एक्सक्रीटिंग द यूरिक, मतलब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड जनरली बनता नहीं है, अगर बन रहा है और वो जाके हमारे जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, वहाँ जाके जमा हो रहा है, सो इट लीड्स टू द गॉटी अर्थराइटिस। यस एंड वेयर डज द यूरिक एसिड कम फ्रॉम इन केस ऑफ यूरिटेलिक ह्यूमन बींग्स। यस सो दिस इज वन ऑफ द, आप बोल सकते हो कि
ये दिस इज़ वन ऑफ द डिसऑर्डर। अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं है एंड इन दैट केस इफ़ द यूरिक एसिड इज़ फॉर्म इन आवर बॉडी एंड इट इज़ नॉट एक्सक्रीटेड आउट और या फिर वो हमारे बॉडी में एक्यूमलेट हो रहा है, सो इन दैट केस इट लीड्स टू दिस गाउटी अर्थराइटिस। सो दिस इज़ हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं, उसके हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड डिफरेंट डिफरेंट इसमें डिवाइड किया गया है। यस, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी इसको फर्दर और हम देखेंगे। सो दैट इज़ फॉर द टुडे, होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट। इन द नेक्स्ट लेवल वी विल सी कि कैसे हमारे बॉडी में नेफ्रॉन क्या काम करता है, हाउ इट इज़, वेयर इट इज़ प्लेस, हाउ इट इज़ वर्क। सो ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियोज़। यस, सो गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।